इटावा जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक पिता ने अपने ही पुत्र की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने मात्र एक घंटे में खुलासा कर दिया है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूरा मामला इटावा जनपद के उसराहार थाना क्षेत्र के साखा तहसील इलाके के मजरा कटेला गांव का है। यहाँ एक पिता ने अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना उसराहार पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पूछताछ में आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि आज सुबह पुलिस को हत्या की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पड़ताल करने में जुट गई। पुलिस को मृतक के पिता पर शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। थोड़ी ही पूछताछ में पिता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने ही अपने इकलौते बेटे की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या की है और कुल्हाड़ी को पास के खेत में छिपा दिया है और खून से सने कपड़ों को गांव के बाहर खेतों पर स्थित एक कुएं में फेंक दिया है। उसने बताया कि ऐसे बेटे की हत्या करने का उन्हें कोई दुख नहीं है, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। उनका बेटा शराब पीने का आदी था और शराब पीने के लिए पैसे मांगता रहता था। मना करने पर बूढ़े माता पिता व पत्नी को पीटता था। पिटाई से बचने के लिए पैसे दे दिए जाते थे तो नशे में आकर पूरे घर को पीटता था। सर, क्या कारण था, किस वजह से और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कैसे इनकी बहुत क्या घटना थी पूरी? देखिए, सुबह जो है सूचना मिली है इटावा पुलिस के थानाध्यक्ष उसराहार को कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो इस पर मौके पर पुलिस आई। मैं भी इसी मामले में आया हुआ हूँ कटेला गांव में। तो इसमें एक व्यक्ति है दर्शन सिंह और उसकी ब्लंट ऑब्जेक्ट से और कुछ और ऑब्जेक्ट से परिवार वालों ने ही उसके पिता ने ही हत्या कर दिया है। और मैं तो कहूँगा तहरीर देने के भी घर वाले कोई तैयार है, क्योंकि घर में शराब पी के जो बताया जा रहा है कि शराब पी करके वो बार बार रोज़ लोगों को परेशान करता था, परिवार वालों को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बाप को, सबको मारता पीटता रहता था। इसीलिए घर वालों ने ही मिल करके उसको मार करके उसकी हत्या कर दी है। पिता जो कि मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई जो होती है वो अमल में लाई जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है कब्जे में लेकर के संबंधित भेज दी गई है।